स्टूडेंट, मैं राहुल कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए आज एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम आप लोगों को वर्ग करना सिखाएंगे कि वर्ग होता कैसे, और वो भी मतलब कि वैसी संख्या का वर्ग करना सिखाएंगे जिसके इकाई एक में पाँच हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी कोई भी संख्या का अगर वर्ग करना हो तो एक से दस तक के लगभग वर्ग आद होना चाहिए, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो इससे पहले देख लेते हैं कि एक से दस तक का वर्ग क्या होता है। तो देखिए, एक का जो स्क्वायर होता है एक होता है, एक का स्क्वायर एक, और फिर दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, फिर तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ होता है, और फिर चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह, और पाँच का स्क्वायर पच्चीस, और छः का स्क्वायर छत्तीस, और सात का स्क्वायर उनचास, आठ का स्क्वायर चौंसठ, और नौ का स्क्वायर इक्यासी, और दस का स्क्वायर सोलह। सबसे पहले हम कोई भी संख्या का अगर वर्ग करना चाहते हैं तो उससे पहले हमको एक से दस तक का वर्ग आद होना चाहिए, है ना। तो देखिए फिर से कर बोलते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार, और तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, छः का स्क्वायर छत्तीस, और सात का स्क्वायर उनचास, आठ का स्क्वायर चौंसठ, नौ का स्क्वायर इक्यासी, और दस का स्क्वायर सोलह। हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि वैसी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे जिसका इकाई अंक पाँच हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इकाई अंक होता क्या है, इकाई अंक होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक होता क्या है। तब कोई भी अगर संख्या इस तरह से लिख दी, उसके बाद जैसे कि कोई भी संख्या लिखे, सबसे मतलब कि वो संख्या का सबसे दाईं ओर जो अंक होता है वही इकाई अंक होता है। तो जैसे कि दाईं तरफ कौन है, ये राइट साइड है। देखिए मतलब कि इसमें जो ये जो संख्या है 58,943, उसमें मतलब जो तीन है वो सबसे दाईं तरफ, सबसे दाईं तरफ, जो सबसे दाईं तरफ अंक की अंतिम में दाईं तरफ जो होता है वो इकाई अंक कहलाता है। इसी पैटर्न पर हम सीखेंगे कि वैसी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे जिसका इकाई अंक पाँच हो। तो देखिए हम लिखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला फर्स्ट केस हम लिख देते हैं। देखिए हम मतलब बता रहे थे कि मतलब वैसी संख्या का वर्ग करना सीखेंगे कि जिसका इकाई अंक पाँच हो। वैसी संख्या जिसका इकाई अंक पाँच हो का वर्ग करना, मतलब जिसका इकाई अंक पाँच है उसका वर्ग करना, यानी कि जैसे कि पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाँच का वर्ग करके लिख लेंगे, पाँच का जो वर्ग होता है वो करके लिख लेंगे। दूसरा में क्या करेंगे कि जो शेष बच जाएगा, पाँच को छोड़कर जो शेष बचेगा उसमें उस संख्या में एक जोड़ लेंगे, है ना। उसके बाद फिर शेष बचे संख्या में गुना कर लेंगे। हम जैसे देखते हैं, ये नोट सभी समझ में नहीं आएगा, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे इस तरह संख्या लिए 25, कितना 25, तो 25 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 625 होता है, 625 होता है, पर हम इस ये रूल पर करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। हम सबसे पहले देखेंगे, बोले थे कि पाँच का जो वर्ग होता है सबसे पहले करके लिखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले पाँच का वर्ग करके लिख लेंगे, तो पाँच का वर्ग कितना होता है 25, लिख लिए। दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर शेष बचे संख्या में शेष कितना बचा है, दो बचा है, तो दो में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ लिए ना। अब फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, फिर शेष बचे संख्या कितना था, दो था ना, उससे गुना कर लेंगे। तो देखिए, दो एक तीन, तीन गुने दो तो तीन दुनी छः, तो तीन दुनी छः छः हो जाएगा, पानी देखिए कितना हो गया 25 का जो स्क्वायर हो गया 625। सबसे पहले फिर से देखते हैं, हम बोले थे कि जब भी कोई संख्या वैसी संख्या मतलब जिसका इकाई अंक पाँच हो उसका वर्ग करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बोले थे कि सबसे पहले पाँच का वर्ग करके लिख लेंगे, तो पाँच का वर्ग करके लिख लिए 25, कोई दिक्कत। दूसरा स्टेप बोला कि शेष बचे, तो शेष बचा दो, तो दो में एक जोड़ेंगे तो तीन होगा, कितना होगा तीन। उसके बाद तीसरा स्टेप बोला फिर शेष बचे, जो तीन जोड़े हैं उसमें शेष बचे संख्या, शेष कितना बचा था, दो बचा था, फिर वो दोनों को आपस में हम गुना कर लेंगे। जब तीन में दो से गुना करेंगे तो तीन दूनी के छः, तो टोटल कितना 625। इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, 35 का स्क्वायर, तो देखिए 35, फिर हम बोले इकाई अंक देखते हैं, पहले पाँच है, तो पाँच इसको मतलब कि पाँच का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर बोले दूसरा स्टेप में तीन का जो शेष बचा है, जो शेष बची संख्या उसमें एक जोड़ेंगे, कितना जोड़ना एक, तीन में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया चार। और फिर बोला कि जो शेष बची हुई संख्या उसी से हम गुना कर देंगे, तो शेष कितना बचा है तीन बचा है, तो चल दिया 12।
तो 35 का स्क्वायर 12 25 हो जाएगा। मतलब कितना आसान से बना, अगर हम इस तरह से करते हैं तो 25 का स्क्वायर तो हम दो बार गुणा करते हैं तो बताइए कितना समय लगेगा। 5 5 25 बाकी 2 5 2 10 2 12 फिर उसके बाद 2 5 10 2 4 5 इस तरह से हम करते हैं तो 5 2 5 6 कितना समय लगता है। इससे अच्छा कि पहले हम कंडीशन रूल आ रखेंगे, सबसे पहले कोई संख्या है मतलब उसका इकाई है 5 है तो उसका वर्ग करना हो तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग कर लेते हैं तो 5 का वर्ग 25, उसके बाद जो संख्या बचा है उसमें 1 जोड़ना है और 1 जोड़कर जो बची संख्या है उसी से गुणा कर देना। जैसे कि 35 है तो 35 का स्क्वायर दिमाग लगाया कि 35 का स्क्वायर यानी कि सबसे इकाई है तो 5 है तो 35 का 25 से सही हो जाएगा। उसके बाद 3 में 1 जोड़कर 3 से फिर गुणा था 3 1 4 और चढ़ दिया 12 यानी कि 35 का स्क्वायर 12 25। हम बिना कलम और कॉपी का भी बोल सकते हैं, सही मौखिक बोल सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि दो अंक में आ गया 55, कितना आ गया 55, तो इसमें इकाई दाएं दोनों 5 ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, रूट बस इकाई वाला लेकर चलना है। इकाई क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और फिर 5 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है तो 5 1 6 और 6 6 में भी कितना जोड़ना है जो बचा उसी से तो 6 5 30 यानी कि 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30 25। देखिए कितना आराम से हो रहा है, ये तो बहुत आसान तरीका है। हम दो अंकों वाला देख लें उसके बाद हम तीन अंक वाला देखते हैं। तीन अंक वाला जैसे कि हम ले लिए 105, अब बताइए किसका इकाई है 5 का है कि नहीं, तो 5 बस वही कंडीशन लगाएंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब शेष कितना बच गया 10 बच गया, 10 बच गया ना तो 10 में हमको कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है तो 10 से 11, उसके बाद 11 में जो शेष बची संख्या था उसी से हम गुणा करेंगे तो कितना बचा था 10, 11 लाएंगे तो 10 110 25, 105 का स्क्वायर कितना होगा 110 25। इसी तरह से कितना सा, अगर कोई हम लोग को 105 का स्क्वायर करने बोलता था तो बस ऐसे ही करते थे, उसके बाद आराम आराम से करते थे, बहुत सारा समय लगता था लेकिन इतना आसान से हो रहा है। इसी तरह से हम सब स्क्वायर करने का मतलब कि हर एक तरीका लाएंगे 100 के आसपास, 50 के आसपास, 30 के आसपास, 50 के आसपास, इसी तरह से हम हर एक वीडियो लाएंगे। देखिए फिर जैसे कि 115 का स्क्वायर, फिर इकाई अंक देखेंगे इकाई अंक 5 मिलता है तो फिर यही कंडीशन, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद शेष कितना बचा 11 बचा तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 12, फिर शेष बची संख्या कितना है 11, ये दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132, 132 12 11 यानी कि 12 एवं 12 हो गया ना, फिर 12 फिर हो गया 12 तो 2 3 132 25 यानी कि 115 का जो उसका स्क्वायर होता है 132 और 25 होता है, समझ गए। तो इसी तरह आप ध्यान देंगे कि हम बता चुके हैं कि वैसी संख्या का आज हम वर्ग सीखे हैं जिसका इकाई अंक 5 हो, बस ये कंडीशन इकाई अंक 5 में होगा तभी लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। तो पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले 5 का वर्ग कर लेंगे, 5 का वर्ग कर लेंगे। दूसरा स्टेप बोला है कि जो फिर शेष बचे संख्या मतलब 5 का, जैसे कि एग्जांपल में हम 15 लिए थे तो 5 का वर्ग कितना 25 लिख लिए, उसके बाद शेष कितना बच गया 5 का, तो काम हो ही गया था 25 लिख दिए थे 5 के बदले और शेष बचा कितना 1, 1 बच गया तो 1 का स्क्वायर 1 में कितना जोड़ना है 1, 1 में फिर से 1 जोड़ना है जो बची संख्या उसमें 1 जोड़ना, 1 में 1 जोड़े तो कितना हो गया 2। फिर उसके बाद बोला है कि मतलब कि शेष बची संख्या से गुना कर लेना, तो गुना कर लेंगे कितना से 1 से तो 2 है ना 2 तो 15 का स्क्वायर कितना 225। इसी तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इस वजह से आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह से हम आपके लिए एक अच्छा से अच्छा वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद।